बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का हमारा टॉपिक है फीटल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ देखेंगे मंथ बाय मंथ इन प्रेगनेंसी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस जो है वो डिवाइडेड होती है थ्री स्टेजेस में। पहला स्टेज प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि स्टार्ट होगा फर्टिलाइजेशन से लेके अप टू 2 to 3 weeks। उसके बाद है एम्ब्रियोनिक स्टेज, 4 to 8 weeks ऑफ जेस्टेशन हम कहते हैं। और लास्ट हमारे पास है फीटल स्टेज, जो 9 weeks से लेके अप टू बर्थ कहलाता है। Is it clear? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि fertilization किस तरह हुई, उसके बाद 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, 16 cell, फिर blastocysts की formation होगी, फिर further आगे जाके trophoblast बनेगा, फिर further placental formation होगी, chronic villi बनेगा, and then further progress होगी development of fetus। आप देख सकते हैं यहाँ पे pregnancy का जो duration है वो 9 months का होता है, जिसको हम 3 sets में डिवाइड करते हैं। और हर सेट को हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम कॉन्सेप्शन। जैसे ही आपको पता लगता है कि फीमेल इज प्रेग्नेंट, फ्रॉम कॉन्सेप्शन वहां पे हो चुका है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, टिल 12 वीक जो है आपका किस में आता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और ये जनरली कितना होता है? 3 months तक कहलाता है। ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर क्या होगा? बेबी में क्या चेंजेस आएंगे? ये एक स्मॉल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से किस पे कन्वर्ट होगा? टू ए फीटस दैट इज स्टार्टिंग टू हैव अ बेबीज फीचर्स। उसमें क्या क्या होंगे? अगर हम देखें फर्स्ट मंथ में week 1 से लेके week 4 तक क्या चेंजेस आएंगे, ये आप देख सकते हैं। प्लांटेशन कंप्लीट होगी, क्रॉनिक विला यहाँ पे फॉर्म होंगे, एम्ब्रियो डेवलप्स इंटू 2 cell layer, जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट एंड ब्लास्टोसिस। एमनियोटिक कैविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपेयर हो रही है, फेस अपेयर हो रहा है, जो बिल्कुल एक फेस की फ्यूचर में फेस डेवलप्ड होगा, वो प्रिमिटिव फेस यहाँ पे डेवलप होगा। यहाँ पे लार्ज आईज यहाँ पे आप देख सकते हैं, माउथ और लोअर जॉ, थ्रोट यहाँ पे डेवलप स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, ब्लड सेल्स आर टेकिंग शेप, सर्कुलेशन यहाँ पे बिगिन होगी, टाइनी हार्ट ट्यूब विल बीट 65 times a minute बाय द एंड ऑफ द 4th week। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ योर बेबी इज अराउंड 1/4 inch लॉन्ग, जिसको आप कह सकते हैं स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ राइस। सेकेंड मंथ week 5 से लेके week 8 तक क्या चेंजेस होंगे? फेशियल फीचर्स जो होंगे वो कंटिन्यू करेंगे और डेवलप्ड होंगे, एनहांस होंगे। एयर बिगेंस एज अ लिटिल फोल्ड ऑफ स्किन एट द साइड ऑफ द हेड, टाइनी बर्ड्स जो है वो ग्रो करेंगे इनटू आर्म्स एंड लेग्स की फॉर्मेशन होगी, फिंगर टोज आईज यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और फर्दर मैचुरेशन होगी, न्यूरल ट्यूब बनेगा यहाँ पे, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल टिश्यूज की डेवलपमेंट होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, बोन स्टार्ट्स टू रिप्लेस इनटू कार्टिलेज, हेड विल बी लार्ज इन प्रोपोर्शन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एट दिस पॉइंट, एंड अबाउट 6 weeks योर बेबी हार्ट बीट कैन यूजुअली बी डिटेक्टेड। यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं हार्ट बीट को। आफ्टर 8 weeks बेबी इज कॉल्ड अ फीटस इंस्टेड ऑफ एन एम्ब्रियो। 8 weeks के बाद जो है वो बेबी क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? फीटस, नॉट एनी मोर एम्ब्रियो। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ फीटस इज अबाउट 1 inch लॉन्ग एंड वेट अबाउट 1/30 of an ounce। थर्ड मंथ फ्रॉम week 9 to week 12, आर्म्स हैंड फिंगर्स फीट एंड टोज जो है वो फुली डेवलप्ड होंगी यहाँ तक। और एट दिस स्टेज जो है वो बेबी क्या करेगा? इट कैन इवन ओपन एंड क्लोज इट्स फिट्स एंड माउथ, फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स आर बिगनिंग टू डेवलप एंड एक्सटर्नल ईयर्स आर फॉर्म, the beginning of teeth are forming under the gums, reproductive organs also develop, but the baby's gender is difficult to distinguish at this point on ultrasound, right? And by the end of the 3rd month, baby is fully formed, all the organs and limbs, extremities are present and will continue to develop in order to become functional. The baby's circulatory and urinary symptoms are also working and the liver produces bile. At the end of the 3rd month, baby is about 4 inches long and weight about 1 ounce. Now let's see second trimester. Second trimester start होता है 4th month से। अगर weeks की बात करें तो weeks 13 से लेके up to 16th week. ये middle section of pregnancy है and you can say it's the best part of the female's pregnancy. क्यों? क्योंकि इस duration में ज्यादातर females में morning sicknesses या nausea, vomiting जैसी जो चीजें हैं वो फेड हो चुकी होती है, वो पहले ट्राइमेस्टर में ज्यादा एक्सपीरियंस करती है फीमेल ड्यू टू दी हार्मोनल चेंजेस, यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाता है, सो शी एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड वेरी स्मूथ, यहाँ पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते।
एंड द डिस्कम्फर्ट ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी हैज फेडेड. द बेबी विल स्टार्ट टू डेवलप फेशियल फीचर्स ड्यूरिंग दिस मंथ एंड मदर स्टार्ट फीलिंग मूवमेंट एज हर बेबी फ्लिप्स एंड टर्न्स इन द यूट्रस. यहाँ पे अब मूवमेंट भी मदर को फील होना शुरू हो जाती है. बेबीज हार्ट बीट में नाउ बी ऑडिबल थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डॉपलर. यस, सोनिकेट भी आप कह सकते हैं. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. सोनिकेट से आप मालूम कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से आप मालूम कर सकते हैं. द फिंगर्स एंड टोज आर वेल डिफाइंड. आईलिड्स, आईब्रोज, आईलैशेस, नेल्स एंड हेयर आर फॉर्म्ड. टीथ एंड बोन्स बिकम हार्डर, डेंसर. बेबी कैन इवन सक हिज और हर थंब, यॉन, स्ट्रेच एंड मेक फेसेस इवन. एंड द नर्वस सिस्टम इज स्टार्ट फंक्शनिंग. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड जेनिटेलिया आर नाउ फुली डेवलप्ड. By the end of the fourth month, baby is about 6 inches long and weighs about 4 ounces. Now let's see fifth month, जो के week 17 से लेके week 20 तक होता है. At this stage, mother feels her baby moving around. Movement बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी. और movement के लिए quickening का word भी use करते हैं. Baby is developing muscles and exercising them. This first movement is called quickening and you can feel like a flutter. Hair begins to grow on baby's head. यहाँ पे hair की growth होना start हो जाएगी. And baby's shoulder, back and temples are covered by soft fine hair called lanugo. यहाँ पे आप देख सकते हैं lanugo. These are hair, lanugo. This hair protects baby and is usually shed at the end of the baby's first week of life. ये throughout pregnancy जो है baby को protect कर रहे होते हैं. Plus after delivery, in few weeks या first week of life के अंदर ये खुद ब खुद shed off हो जाते हैं. The baby's skin is also covered with a whitish coating called vernix caseosa. ये आप देख सकते हैं बेबी को. This is a cheery substance is thought to protect baby's skin from the long exposure to the amniotic fluid. ये भी protection देता है basically. This coating is shed just before birth. ये before birth shed हो जाती है, but in some babies ये shed off नहीं होती, बाद में ये रहती है. यानी कि जब baby born होता है तो आपको उस पर मिलता है बहुत clearly. And you have to wipe the baby very nicely. By the end of the fifth month, baby is about 10 inches long and weighs from 1/2 to 1 pound. Sixth month, week 21 to 24 week, baby's skin यहाँ पे कैसी होगी? Reddish in color होगी, wrinkled आपको मिलेंगे, veins visible होंगी through the baby's translucent skin. Baby's fingers and toes are visible. बाज़कत आप अगर patient का PA करो पर abdominal examination तो वहाँ पे इवन यू कैन फील बाय योर नेकेड आई अगर बहुत ज्यादा स्किन फ्रजाइल हो आपको फील होता है, नजर भी आ रहा होता है. इन दिस स्टेज द आईलिड्स बिगिन टू पार्ट एंड द आईज ओपन. बेबी रिस्पॉन्ड टू साउंड बाय मूविंग और इंक्रीजिंग द पल्स. यू मे नोटिस जर्किंग मोशन ऑफ बेबी हिकअप्स. यस, यू कैन इवन फील दैट. बाय द एंड ऑफ द सिक्स मंथ, बेबी इज अबाउट 12 इंचेस लॉन्ग एंड वेज अबाउट 2 pounds. सेवन्थ मंथ, वीक 25 to week 28, यहाँ पे baby will still continue to mature and develop reserves of body fat. यहाँ पे body fat developed हो रहा है. At this point the baby hearing is fully developed. Baby can even hear. The baby changes position frequently and even can respond to stimuli. Stimulus को respond करेगा including sound, pain and even light. The amniotic fluid begins to diminish. ये बहुत important point है कि यहाँ से जो amniotic fluid है वो start हो जाता है क्या, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि baby का size continue बढ़ रहा है. एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होना शुरू हो जाता है. एट द एंड ऑफ द सेवन मंथ, बेबी इज अबाउट 14 इंचेस लॉन्ग एंड वेज फ्रॉम 2 to 4 pounds. थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि स्टार्ट होता है 8 मंथ, वीक 29 to 32 weeks. थ्रू आउट द थर्ड ट्राइमेस्टर बेबी विल गेन वेट क्विकली एडिंग बॉडी फैट दैट विल हेल्प आफ्टर बर्थ. बेबी विल कंटिन्यू टू मेच्योर एंड डेवलप रिजर्व्स ऑफ बॉडी फैट. By this time, baby is kicking more. बहुत ज्यादा patient complain कर रहे होते हैं duration, इस duration में कि बहुत ज्यादा movement feel होती है, बहुत ज्यादा kicking हो रही होती है. And that is even a good sign too. Baby's brain is developing rapidly at this time and baby can see and hear as well. Most internal systems are well developed, but the lengths may still be immature. Baby is about 18 inches long and weighs as much as 5 pounds. 9 month, weeks 33 to 36 weeks. During this stage, babies will continue to grow and mature. The lungs are close to being fully developed at this point. यहाँ पे जो lungs हैं वो fully developed होने के बिल्कुल करीब हैं. Baby's reflexes are coordinated, so he or she can blink, close the eyes, turn the head, grasp firmly, respond to sounds, light and touch. And baby is about 17 to 19 inches long and weighs from 5
1.5 pounds to 6.5 pounds. 10th month, week 37 to 40 week. In this final month, patient could go into labor at any time, कभी भी patient जो है वो labor में जा सकता है. Baby moves less due to tight space. Definitely यहाँ पे space कम होने की वजह से baby की movement पे फर्क पड़ता है. At this point, baby's position may have changed to prepare for birth. यहाँ पे position उसकी continue change हो रही होती है. And we know what is the ideal position, that is left occipital anterior. The baby head is down in the uterus and baby is about 18 to 20 inches long and weighs about 7 pounds. Thank you.